स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन आत्मिक लड़ाई। जिस तरह मत्ती की पुस्तक अध्याय 2:1 में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, मेरे प्रियो दाऊद बेतलहम में पैदा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह भी बेतलहम में पैदा हुए थे। बेतलहम का मतलब होता है रोटी का घर। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हमें प्रार्थना करनी सिखा। परमेश्वर ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो कि हे हमारे पिता, हमारी रोज की रोटी हमें दे। यीशु मसीह बेतलहम यानी रोटी के घर में पैदा हुए थे और शैतान ने उनकी पहली परीक्षा भी रोटी से की थी। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, तू रोटी के घर में पैदा हुआ है पर तेरे पास रोटी नहीं है। वह सब एक गवाही के लिए था। उसके बाद परमेश्वर के पास रोटी थी। अगर आप अपने आत्मिक जीवन में लड़ेंगे तो परमेश्वर आपकी हर आत्मिक और शारीरिक जरूरत को पूरी करेगा। यीशु मसीह ने कहा कि इंसान केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। रोटी के घर में पैदा होकर जरूरी नहीं कि आपकी हर एक जरूरत पूरी हो, जब तक कि आप लड़ते नहीं। जिस तरह यीशु मसीह शैतान से लड़े और जीते। हालेलुया। दाऊद रोटी के घर में पैदा होकर अपने भाइयों में से सबसे पीछे था। वह अपने घर वालों की तरफ से भूला और त्यागा हुआ लड़का था, पर तब तक उसके पास रोटी नहीं थी जब तक वह लड़ा नहीं। आज हमें लोगों से नहीं लड़ना जो हमारे बारे में बुरा बोलते और लिखते हैं, बल्कि हमें शैतान से और अपनी अभिलाषाओं से लड़ना है। अगर आप शरीर को जीत जाओगे तो आपकी जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। रोटी के घर में पैदा होकर परमेश्वर की पहली परीक्षा रोटी की हुई थी। आपको वह नहीं दिया जाएगा उसके जिसके आप लायक हैं, आपको वो दिया जाएगा जिसके लिए आप प्रार्थना, उपवास और बाइबल पढ़ के लड़ेंगे और अपने शरीर पर काबू करके पाप से दूर रहेंगे। यहूदा इस्करियोती जो परमेश्वर का चेला था, असल वह कलीसिया का खंभा होने के लिए चुना गया था। वह सारे पैसे का हिसाब रखता था। जब याकूब ने अपने 12 पुत्रों को आशीष दी तो उसने यहूदा को आशीष दी कि जब तक सीलो न आ जाए तब तक यहूदा से न तो राजदंड छूटेगा और न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। बाइबल के अनुसार व्यवस्था देने वाले लेवी लोग होते थे, लेकिन जब याकूब ने अपने बच्चों को आशीष दी तो उसने कहा कि व्यवस्था वाला यहूदा से निकलेगा और यीशु मसीह के गोत्र में से पैदा हुए थे। यह एक भविष्यवाणी थी और यहूदा इस्करियोती को इसलिए चुना गया था ताकि याकूब की भविष्यवाणी उसकी जिंदगी में पूरी हो, पर बाइबल बताती है कि वह उसके अनुसार लड़ा नहीं और लालच में आ गया। उसने आंखों से देखकर कुछ फैसले लिए। उसने प्रभु यीशु मसीह को बेचा और आत्महत्या करके मर गया और उसकी पदवी किसी और को दे दी गई। इसलिए अगर आप अपने शरीर को जीत जाएंगे तो आप शैतान को जीत जाएंगे, और अगर आप शैतान को जीत जाएंगे तो आप अपनी आशीषों को भी जीत जाएंगे और कोई भी आपको पीछे नहीं कर पाएगा। आमेन आमेन। यह प्रार्थना
आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे दे ताकि मैं आपकी योजना के अनुसार अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ सकूं और आपके वचनों पर चल सकूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा 100 गुना फलों के साथ आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।